एक धमाका हुआ था, बात जुबानी धमकियों से बहुत आगे निकल चुकी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए यह केस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को सौंपा गया जो ऐसे संगीन मामलों की जांच करती है। सर, लोकल पुलिस उस घर में पहुंच चुकी है जहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, मुनारिया गांव। तुम फॉरेंसिक टीम लेकर वहीं जाओ और लोकल पुलिस से इस केस की पूरी डिटेल ले लो। मैं हॉस्पिटल जाकर विक्टिम के घर वालों से बात करता हूं। यस सर। साहब, एक पार्सल आया था। किसके नाम पर? साहब, पार्सल पे तो मेरा ही नाम लिखा था, मुझे लगा भी जाए हैं, और उसपे भी यही लिखा था। फिर पार्सल कल दोपहर में आया था, सरला उसे आज सुबह खोलने गई। मैं बाहर बैठा आंगन में चाय पी रहा था, साहिब मैं दौड़ा थोड़ा अंदर गया, अंदर धुआं ही धुआं भरा था और सरला जख्मी पड़ी हुई थी। प्राइमरी फाइंडिंग से तो ये पार्सल बॉम्ब लग रहा है और एक्सप्लोजन के लिए जेलेटिन यूज किया गया है। ये बॉम्ब असेंबल्ड बॉम्ब था क्या? लगता तो ऐसा ही है, और जिस तरह से ये पार्सल पैक किया गया था लगता है किसी शातिर दिमाग का काम है। जिलेटिन के ग्रेड और सर्किट की जांच में कितना टाइम लगेगा? कम से कम 2 दिन। और आप कह रहे थे कि जैसे विक्टिम ने पार्सल खोला तुरंत ब्लास्ट हुआ। सरला जी के पति जगदीश मकवानों को ऐसा लगता है। मैं तो पार्सल के बारे में भूल ही गया था, सरला ने ही मुझे याद दिलाई। आपने अभी तक बीज नहीं निकाले। एक काम करो, तुम ही निकाल लो। जगदीश जी, आपको कुछ अंदाजा है कि जब सरला जी पार्सल खोलने गई उसके तकरीबन कितनी देर बाद धमाका हुआ होगा? पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लगा होगा। आपकी किसी से कोई दुश्मनी? मेरा मतलब है कोई आपसी रंजिश, कोई ऐसा है जो आपके घर में यह पार्सल बॉम्ब भेज सकता है? साहब, मैं एक छोटा आदमी किसान हूँ, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। हमारा छोटा सा गाँव, अगर किसी से कुछ कहा सुनी हो जाए तो वो दो बातें सुना देगा, ऐसे बॉम्ब थोड़ी भेजेगा मारने के लिए। साहब, दरअसल पिछले कुछ दिनों से मुझे और बापूजी को भी फोन पर धमकी मिल रही थी। कैसी धमकी? अब डॉक्टर साहब, देखिए हालत पहले से स्टेबल है, लेकिन कुछ इंजरीज बहुत ज्यादा है, कुछ कट्स तो बहुत डीप है और आंख में भी इंजरी है। कोई डरने वाली बात तो नहीं है ना डॉक्टर? है भी और नहीं भी, लेकिन इलाज बहुत लंबा चलेगा और प्लास्टिक सर्जरी भी होगी। प्लास्टिक सर्जरी क्यों? उनके दाएं हाथ की 3 उंगलियां बहुत बुरी तरह जल चुकी है, समझिए खत्म ही हो गई है। पुनीत, आप कह रहे थे कि फोन करके कोई आपको धमका रहा था। हाँ सर, कोई शेख नाम का आदमी है, काफी समय से फोन करके हमें धमकी दे रहा था। मुनारिया पुलिस थाने में हम लोग कंप्लेन कराने भी गए थे। फिर सर वहाँ के इंस्पेक्टर ने कहा कि हम उसका फोन उठाना बंद कर दें। हम लोगों ने वैसे ही किया और पिछले हफ्ते एक बार फिर उसका मैसेज आया। क्या लिखा था मैसेज में? मैं आपको मैसेज दिखाता हूँ सर। बहुत समझाया पर तू नहीं समझा, मनीषा को तूने नहीं छोड़ा, अब तो भुगतेगा, देखना कैसा धमाका होता है। ये मनीषा कौन है? जी मैं हूँ सर। मेरी पत्नी है साहब। तो ये फोन करने वाला आपको धमका रहा था कि आप अपनी पत्नी यानी मनीषा को छोड़ दो? कोई आपको बार बार फोन करके धमका रहा था, थ्रेट कर रहा था, तो आपने इस मामले को इतना लाइटली क्यों लिया? मैंने कहाँ लाइटली लिया, मैं तो कंप्लेन करने भी गया था, उन्होंने कहा कोई मजाक कर रहा होगा। ये मजाक नहीं था, ये फोन करने वाला शेख जो भी है उसका आपकी पत्नी मनीषा से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है, वरना वो ये क्यों कहता कि अपनी पत्नी मनीषा को छोड़ दो? बिना आग के धुआं नहीं उठता, और यहां तो आग आपके घर तक पहुंच गई है। मनीषा जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? तो आपने पुलिस स्टेशन में उस दिन पहली बार उस शेख की आवाज सुनी थी? जी सर। मुंबई के किसी भी थाने में पूछ ले, पता चल जाएगा डॉन शेख क्या चीज है। लेकिन सर, मनीषा किसी शेख को नहीं जानती और ना ही कभी मुंबई गई है। लेकिन ये खुद कह रही है कि इन्हें वो आवाज जानी पहचानी लगी थी। हाँ सर, पर मैं कुछ पक्का नहीं कह सकती, सिर्फ मेरा अंदाजा है। आपके अंदाजे से किसकी आवाज थी वो? तरुण पारिक की। कौन है तरुण पारिक, कहाँ रहता है? सारथीपुर गांव में, वहाँ एक कॉलेज में प्रोफेसर है, मेरा मतलब था। कौन सा गांव कहा आपने? सारथीपुर। जी सर, वो पार्सल भी सारथीपुर पोस्ट ऑफिस से ही आया था। तो मनीषा जी, जब आपको शक था
कि शेख की आवाज में तरुण पारिक बात कर रहा है, तो आपने ये बात किसी को बताई क्यों नहीं? सर, मनीषा ने मुझे बताया था, लेकिन मुझे वो आवाज तरुण की नहीं लगी। मैंने भी एक बार उससे बात की हुई है। क्या लगता है आपको, ये तरुण पारिक ऐसा कर सकता है? मैं भी यही जानना चाहती थी सर, इसलिए जैसे ही पुनीत ने मुझे इस हादसे के बारे में बताया, मैंने तुरंत तरुण को फोन करके पूछा। मनीषा, तुम ये क्या कह रही हो? तरुण, सच सर बताना, क्या तुम शेख बनकर पुनीत को कॉल कर रहे थे? मैं शेख बनके क्यों फोन करूंगा? मुझे क्या हासिल होगा? और मैं पुनीत को फोन करूंगा ही क्यों? मैं उसे जानता नहीं, फिर उसे या उसके माँ बाप को मैं धमकाऊंगा क्यों? मनीषा, तुम मेरी हालत जानती हो, यहाँ बिस्तर पर पड़ा हूँ एक फर्नीचर की तरह। पर उस आदमी की आवाज तुमसे बहुत मिलती है तरुण। मनीषा, क्या पहले मुझे कम तकलीफें हैं जो तुम अब ये इल्जाम लगा रही हो? तरुण का कहना है उसने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन क्या तरुण ऐसा कर सकता है? वो जिस हालत में, उसे देखकर तो ऐसा नहीं लगता। पर सर, आज भी जब मैंने उससे बात की, मुझे ऐसे लगा कि उसकी आवाज शेख से मिलती है। तरुण पारिक का और शेख जिस नंबर से आपको कॉल करता था, वो दोनों नंबर बताइए। हाँ सर। उस शेख की आवाज का तरुण से मिलना और जिस पार्सल में बॉम्ब आया था, उस पार्सल पर सारथीपुरी यानी तरुण के गांव की स्टैम्प का होना, मतलब साफ है तरुण का इस केस से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, और आपका तरुण पारिक से। तरुण और मनीषा का एक अतीत था, दोनों को एक दूसरे के प्रति असंतोष था, इसलिए एक मोड़ पर आकर दोनों की राहें अलग हो गई थी। एक ने अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू की थी और दूसरे को मानो बदकिस्मती ने एक जगह जकड़ लिया था। तरुण की हालत हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक साल पहले तक वो एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा था, चल फिर सकता था, शादी करके सेटल होना चाहता था, और इसी के लिए तरुण और मनीषा की मुलाकात हुई थी। एक साल पहले जुलाई 2011 में मैं पहली बार तरुण से मिली थी। वो अपने बाप बापूजी के साथ मेरे घर आया था मुझे देखने। तरुण को मेरे लिए मेरे बाप बापूजी ने पसंद किया था। रिश्ता पक्का हो गया, पर मैं पूरी तरह खुश नहीं थी। हमारी सगाई हुई थी। तो मनीषा जी, अगर आप उस सगाई से खुश नहीं थी, तो आपने किसी को बताया क्यों नहीं? बताया था सर, बाप बापूजी को भी और तरुण को भी। तरुण सारो छोकरो छे, पढ़ा लिखा है, PhD है, संस्कारी भी है। शादी का फैसला सिर्फ रूप रंग या कदकाठी देकर थोड़ी किया जाता है। इंसान का स्वभाव, उसका बर्ताव असल में यही मायने रखता है। पर बापूजी, बेटा, मैं मानती हूँ तरुण थोड़ा मोटा जरूर है, पर दिल का बहुत ही अच्छा है। किसी को पसंद करने के लिए ना उसकी खूबियाँ देखी जाती हैं, खामियाँ नहीं। देखो, जो तुम्हारे दिल में है ना, बेझिझक कह दो। तरुण, प्लीज बुरा मत मानना, शायद तुम्हें मेरी बात अजीब भी लगे, पर तुम... हाँ हाँ, कहो। तुम मोटे हो तरुण, मैं जानती हूँ तुम्हें ऐसा लगेगा कि मेरी सोच कितनी छोटी है, पर मैं क्या करूँ तरुण, मेरे लाइफ पार्टनर के लिए मेरे मन में एक इमेज है, एक तस्वीर है, और तुम वैसे नहीं हो तरुण। आई एम सॉरी, शायद मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, पर... नहीं नहीं, मैं समझ रहा हूँ, पर मनीषा, अगर मैं अपना वजन कम कर लूँ तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, फिर तो तुम मुझे पसंद करोगी। हमारी मुलाकात भले ही अरेंज हुई हो, पर मेरे लिए तो वो लव एट फर्स्ट साइट था ना, तुम्हें देखते ही प्यार हो गया था मुझे। देखो मनीषा, मैं वादा करता हूँ, मैं पतला हो जाऊंगा, पूरी मेहनत करूंगा, डाइट, योगा, एक्सरसाइज, जैसा तुम्हें पसंद हो वैसा बनके दिखाऊंगा। पर मनीषा, मुझे एक मौका तो दो। Thank you.
तरुण काफी मेहनत कर रहा था, वजन घटाने का जुनून सवार था उस पर फिर भी मैं अंदर से खुश नहीं थी, लेकिन मैं ये कह नहीं पाई। वो खुश था, पर मुझे अभी भी ये रिश्ता एक समझौता लग रहा था। और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो हमने कभी नहीं सोचा था। क्या? क्रिशन, क्या हो रहा है? मेरे पैर हिल क्यों नहीं रहे? बेटा थोड़ा सब्र कर, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, मुझे हुआ क्या है? डॉक्टर ने कुछ बताया? मुझे मेरे पैर फील क्यों नहीं हो रहे? मेरे पैर हिल क्यों नहीं रहे? बेटा ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। देखिए, उसकी रीढ़ की हड्डी बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है। मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? अभी तो उसके कमर के नीचे का पूरा शरीर कंप्लीटली पैरालाइज हो गया है। डॉक्टर, तरुण फिर से चल तो पाएगा ना? पहले अभी कुछ कह नहीं सकते। हाँ, रेगुलर मेडिकेशन और फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट से थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट जरूर हो सकती है, लेकिन पहले की तरह चलना फिरना वो तो ऑलमोस्ट नामुमकिन सा लग रहा है मुझे। मैं तेरी मुश्किल समझ सकता हूँ, पर तू अपने पर कोई बोझ मत रखना। तेरी जिंदगी का फैसला है ये, मजबूरी से नहीं, मर्जी से लेना। तू जो भी फैसला लेगी ना, उसमें हम तेरा साथ देंगे। ये मनीषा मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? पता नहीं बेटा, पहले दवाई खा ले। तुमसे कुछ कहा क्या उसने? मिलने क्यों नहीं आ रही वो? नहीं बेटा, मेरी बात नहीं हुई इससे। पर तू चिंता क्यों करता है? मैं और तेरे बापूजी है ना तेरा ख्याल रखने के लिए। हाँ, ये ले। आखिर मैं कब तक उसका फोन नहीं उठाती? मैंने तय कर लिया, उसे सब कुछ साफ साफ बता दूंगी। हेलो मनीषा, इतने दिनों से फोन क्यों नहीं उठा रही थी मेरा? तरुण, वो मैं। अच्छा ठीक है, तुम्हें जो भी कहना है ना यहाँ आके कहो। तुम तो जानती हो मुझे तुम्हारे साथ की कितनी जरूरत है, और तुम साथ दोगी ना तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। तरुण, मैं सगाई तोड़ रही हूँ। मनीषा प्लीज ऐसा मत कहो। तरुण सॉरी, पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मनीषा, मैंने तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ किया, फिर भी तुम मुझे छोड़ रही हो, वो भी इस हालत में। प्लीज तरुण, चीजों को सिर्फ अपने नजरिए से मत देखो, वरना तुम मुझे समझ नहीं पाओगे। तरुण, मैं तुमसे शादी करना ही नहीं चाहती थी, और मैंने कोशिश की थी, पर सच तो ये कि मैं आज तक हमारे रिश्ते को दिल से अपना ही नहीं पाई हूँ। जैसा तुम चाहती थी वैसा बनने की कोशिश में लगा हुआ था ना मैं। अब नसीब खराब था, ये एक्सीडेंट हो गया। सोचो मनीषा, अगर ये हादसा तुम्हारे साथ होता तो मैं तुम्हें कभी भी इस तरह नहीं छोड़ता, ये तुम भी जानती हो। प्लीज तरुण, तुम्हारे साथ जो हुआ है उसका दुख है मुझे, पर मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया है। मेरी खुशी नहीं है इस रिश्ते में तरुण, इसलिए अच्छा यही होगा कि हम इस रिश्ते को यहीं खत्म कर दें। हम दोनों के लिए यही ठीक रहेगा। आई एम सॉरी, बट प्लीज मुझे दोबारा कॉल मत करना। बाय। मनीषा, मनीषा, मैंने सगाई तोड़ दी। उसके 3 महीने बाद पुनीत और मेरी शादी तय हो गई। हम दोनों ने अपनी मर्जी से एक दूसरे को चुना था। आपकी शादी के बाद भी तरुण आपको फोन करता था? आई मीन,
क्या फोन करके कभी उसने धमकाया आपको? सर, धमकाया तो कभी नहीं, पर उसके फोन आते रहते थे। वो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। एक बार तो पुनीत ने भी बात की थी उससे। आपने फोन किया था? नहीं सर, वो बार बार मनीषा को फोन किया करता था, विनती करता था उससे मिलने के लिए, इसलिए मनीषा ने उसका कॉल मुझे डाइवर्ट कर दिया था। और मैंने बहुत शांति से उससे बात की थी और उसने मेरी बात समझ भी ली थी। उसके बाद से उसने कभी भी मनीषा को फोन नहीं किया। तो उसके बाद से तरुण का फोन आना बंद हो गया। ये शेख का फोन आना कब से शुरू हुआ? सर, कुछ 3 हफ्तों पहले। और इस तरुण ने फोन करना कब बंद किया? तकरीबन 1-2 महीने पहले। आप दोनों की शादी को कितना वक्त हुआ? 4 महीने। आपने कहा था कि तरुण ने PhD की थी? जी सर। किस सब्जेक्ट में? फिजिक्स में। एक इंसान जिसे किसी लड़की ने ठुकरा दिया हो, उसके साथ हुई मंगनी को तोड़ दिया हो और एक हादसे ने उसे बिस्तर से जकड़ दिया हो, क्या ऐसी शारीरिक और मानसिक हालत में वो इंसान बदला लेने के लिए इतना भयानक कदम उठा सकता है? सारे सबूत तरुण पारिक की तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन क्या ये सबूत काफी थे तरुण को मुजरिम साबित करने के लिए? सर, 444-5-6-7-8-9-8 इस नंबर से शेख पुनीत को फोन करता था, लेकिन ये नंबर तरुण पारिक के नंबर रजिस्टर्ड है। प्रीपेड सिम कार्ड और उसके गांव सारथीपुर से खरीदा गया है। अब तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है, लेकिन तरुण की जो हालत है वो ये काम अकेले नहीं कर सकता। जरूर इसमें उसके साथ कोई और भी शामिल है। FSL रिपोर्ट कब आ रही है? संजय से बात हुई थी सर, कल तक भेज देगा। ना साहब जी ना, पहले तो मनीषा ने मेरे दिकरे के साथ सगाई तोड़ दी और उस पर अब ये इल्जाम लगा रही है। मारो दिकरो बेचारो, वो तो अपने बिस्तर से उठ भी नहीं सकता, वो ये सब कैसे कर सकता है? आप भी जरा सोचिए साहब। जी, सोचने वाली बात तो है कि आखिर तरुण ने ये सब कैसे किया होगा, पर बेहतर यही होगा कि ये बात हम एक बार तरुण से पूछ लें। जी हाँ। इस फोन के अलावा कोई दूसरा फोन भी है? जी नहीं। सर, ये एक और फोन मिला है सर, इसमें से सिम कार्ड तो निकाल लिया गया है, पर सेंट मैसेजेस में ये एक मैसेज मिला है, ये देखिए। बॉस समझाया पर तुम नहीं समझे, तुमने मनीषा को नहीं छोड़ा, अब तुम भुगतोगे, देखना कैसा धमाका होता है। तुम ही थे ना जो शेख बनकर पुनीत और उसके बापूजी को धमकाते थे? नहीं जी नहीं। देखो, इस फोन से सिम कार्ड भले ही निकाल दिया गया, लेकिन पुनीत को धमकाने के लिए तुमने जो मैसेजेस भेजे थे वो अभी भी इसमें सेव्ड हैं। होगा, पर मैंने वो मैसेज सेंड नहीं किया। देखो तरुण, झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम जानते हैं जगदीश मकवाना के घर में जो धमाका हुआ था उसमें तुम्हारा हाथ है। पर सर, मैं ऐसा क्यों करूंगा, और अगर करना भी चाहूं तो कैसे कर सकता हूं? मेरा बेटा बिस्तर से उठ भी नहीं सकता। जी साहब, ये बिस्तर ही इसकी दुनिया बन गई है, इसे छोटे से छोटे काम के लिए भी उसकी बाकी मदद की जरूरत पड़ती है। मदद तो किसी ने जरूर की है तरुण, किस क्राइम में? बोलो तरुण, तुम्हारे साथ इस क्राइम में और कौन शामिल था? मैं पहले भी कह चुका हूँ ना, मैंने किसी को फोन किया ना मैसेज, मुझे जबरदस्ती फंसाया जा रहा है सर। तुमने PhD की है ना फिजिक्स में? जी। तो बॉम्ब बनाना तुम्हारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं रहा होगा? बॉम्ब बनाने के लिए PhD होने की जरूरत नहीं है सर, इंटरनेट पे तो सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आप जानते हैं साबुन से भी बॉम्ब बन सकता है। काफी अच्छी रिसर्च कर रखी है तुमने बॉम्ब बनाने पर तुमने साबुन का नहीं जेलेटिन का इस्तेमाल किया था। मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे फंसाया जा रहा है। संगवी, गोविंद और नरेश 24 घंटे इस घर पर पहरा देंगे, और आपका बेटा इस घर में नजरबंद रहेगा। साहब, मेरा बेटा निर्दोष है? जी नहीं, उसकी हालत का लिहाज करते हुए हम पूछताछ में उससे सख्ती नहीं बरत रहे और ना ही उसे अरेस्ट करके जेल ले जा रहे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो निर्दोष है। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं, वो ऐसा नहीं कर सकता। हाँ साहब,
वो बाथरूम तक चार कदम चल के नहीं जा सकता। क्या तरुण कभी घर पे अकेला होता है? साहब मैं तो सुबह से खेत में चले जाता हूँ, दोपहर तक यही उसका ख्याल रखती है और दोपहर में ये मुझे मदद करने खेत में चली आती है। मैं सच कहता हूँ साहब, मेरे बेटे की तो तकदीर ही फूटी हुई है, वो किसी को धमकी क्या देगा और बम बनाने का तो सवाल ही नहीं उठता। सवाल तो उठ रहे हैं श्यामलाल जी, और जवाब भी हम ढूंढ के रहेंगे। अगली बार जब हम यहाँ आएंगे तो पुख्ता सबूत के साथ आएंगे। ठीक है बापूजी, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कीजिए। प्लास्टिक सर्जरी का खर्चा बहुत ज्यादा है, हम इतना खर्चा नहीं उठा सकते। तो आप? बापूजी कह रहे थे कि फिलहाल बा को घर ले आते हैं, बाद में देखेंगे कैसे करना है। मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि तरुण ने तुम्हारे बा और बापूजी को मारने की कोशिश की। उनसे क्या दुश्मनी थी उसकी? तुमने उसे छोड़ दिया था तो वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाया होगा। नफरत इंसान से कुछ भी करा सकती है। माना कि वो तकलीफ में, पर हमें तकलीफ देके उसकी तकलीफ कम हो जाती क्या? साहब मैंने साइकिल पे पीछे के कैरियर पर रखा था वो पार्सल, अब तो सोचकर भी कांप उठता हूँ, कितना किलोमीटर घुमा मैं वो बॉम्ब लेकर। उस पार्सल पर कोई वायर बंधा हुआ था क्या? जी नहीं साहब, वो पार्सल सीधा पोस्ट ऑफिस में आया था, वहीं से मुझे दिया गया। अगर ऐसा कुछ होता तो किसी का तो ध्यान जाता ना। जिलेटिन ग्रेड 2 का इस्तेमाल हुआ था और सर्किट डिटोनेटर से अटैच था। पूरा दिन पार्सल उनके घर पे रहा, अगले दिन जब उनकी पत्नी सरला ने उसे खोला तब धमाका हुआ। मतलब डिटोनेटर और बैटरी के बीच पेपर या ऐसी कोई चीज रखी होगी। बॉक्स खोलते वक्त वो पेपर वहां से हट गया होगा। सर्किट कंप्लीट हो गई, डिटोनेटर एक्टिव हो गया और जिलेटिन ब्लास्ट हो गया। लेकिन तरुण को यह जिलेटिन मिला कहां से होगा? इतना पावरफुल एक्सप्लोसिव इतनी आसानी से तो नहीं मिलना चाहिए। राइट सर, ग्रेड 2 का जिलेटिन इस्तेमाल हुआ था, जो आमतौर पर माइनिंग साइट पर विस्फोट करने के लिए इस्तेमाल होता है या प्लिंथ बनाते वक्त कंस्ट्रक्शन साइट पे। तो इसे बेचने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती होगी और खरीदने के लिए परमिशन की? बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से रिटर्न परमिशन मिलने के बाद ही कोई इसे खरीद सकता है, वो भी सिर्फ लाइसेंस डीलर से। मतलब किसी डीलर ने इलीगली बेचा होगा तरुण को, और कोई है जिसने ये सब तरुण के लिए अरेंज किया होगा। आखिर इस धमाके को अंजाम देने में तरुण की मदद किसने की थी? एक तरफ पुलिस तरुण के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में जुट गई थी और दूसरी तरफ ये धमाके की खबर आग की तरह आसपास के गांव में फैल गई थी। छोटे से गांव में घटी इस अकल्पनीय घटना की गांव वालों में चर्चा होने लगी थी और अगला क्लू गांव के ही एक आदमी से मिला। नमस्कार साहब, सुरेश ठक्कर बोलू, सारथीपुर गाँव का सरपंच। हाँ सरपंच साहब बोलिए। साहब ये मुन्नरिया गाँव में जो बॉम्ब फटा ना उसके बारे में आपके साथ बातचीत करनी थी। जी कहिए। सर हमारे गांव में दो लड़के हैं, करण सोलंकी और रोशन सोनी, ये दोनों इस धमाके के बारे में कुछ जानते हैं। जैसे ही गांव में खबर फैली ये दोनों लड़के सामने से चलकर मेरे पास आए, बहुत घबराए हुए बेचारे दोनों। करण रोशन डरने की जरूरत नहीं, तुम लोग जो कुछ भी जानते हो सब कुछ सच सच बताओ। तरुण सर हमारी कॉलेज में पढ़ाते थे, हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, फेवरेट सर थे वो हमारे। क्या तुम दोनों ने तरुण की बॉम्ब बनाने में मदद की थी? नहीं सर। तरुण सर के साथ जो एक्सीडेंट हुआ था हमें उसके बारे में पता था, तो हम कभी कभार उनके घर जाया करते थे उनका हाल चाल पूछने के लिए। फिर एक आध महीने पहले उन्होंने हमें अपने घर बुलाया। रोशन करण मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए। बोलिए ना सर, शू करवाना चाहिए। तुम दोनों होशियार हो, तुम ही मेरा ये काम कर सकते हो। जिलेटिन पर ये तुमको क्यों चाहिए? अरे हमने नहीं, तरुण सर को चाहिए, तरुण पारेख ने। तरुण पारेख? पर शाम आटे वो उन्हें घर के पीछे बोरवेल खोदना है, उसके लिए छोटा ब्लास्ट करना है। ये फटाकड़ा नहीं है कि ऐसे ही मिल जाए, इसको खरीदने के लिए पहले परमिशन लेटर लगता है और हमको भी ये रजिस्टर बनाना पड़ता है कि हमने किसको क्या सामान बेचा और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिखाना पड़ता है। लेकिन सर ने तो मैं से कुछ बता नहीं था।
पर गोपाल भाई, तरुण सर तो कॉलेज के प्रोफेसर है, गांव में सब जानते उन्हें, आप भी उनको जानते हो और आपको उनकी तबीयत के बारे में भी पता होगा, वो बेचारे लेटर के लिए कहाँ भाग दौड़ करेंगे। आप ही कुछ देख लो ना। ठीक है रुको मैं लाता हूँ। सर सौगन खाने कहो चू, हमें नहीं पता था तरुण सर बॉम्ब बनाने के लिए सामान मंगवा रहे थे। फिर तुम्हें कैसे पता चला कि तरुण ने जो सामान मंगवाया था वो बॉम्ब बनाने के लिए मंगवाया था? हमने पेपर में पढ़ा था, ये धमाका मुनारिया गांव में हुआ था, किसी जगदीश मकवाना के घर। तो जगदीश मकवाना 46 मुनारिया गांव बीजूपुर तालुका। एक काम करो रोशन, एड्रेस को गुजराती में भी लिख दो और हाँ ऊपर वाली साइड पे बीज लिख देना, ताकि जगदीश भाई को भी मालूम पड़े हमने उनके लिए क्या भेजा है। हमने ही वो पार्सल सारथीपुर पोस्ट ऑफिस से भेजा था। तुम दोनों ने तरुण के लिए कोई सिम कार्ड भी खरीदा था? हाँ सर मैंने खरीदा था। करण ये लो पैसे और मेरे लिए नया सिम कार्ड ले आना। वो क्या है ना कि मेरा सिम नेटवर्क ही नहीं पकड़ता रूम में। सर वो हमारे प्रोफेसर थे, हमें नहीं पता था वो हमसे ऐसा कोई गलत काम करवाएंगे। सर उनकी हालत देखकर बुरा लगता था उनके लिए, पर अगर हमें जरा सा भी अंदाजा होता कि उनके इरादे ऐसे हैं तो हम कभी उनका साथ नहीं देते। देखो मैं जानता हूँ तुम लोग स्टूडेंट हो, तुम लोगों ने जानबूझकर कुछ नहीं किया, लेकिन हमें तुम दोनों का बयान लेना होगा, उसके बाद तुम लोग जा सकते हो। सॉरी साहब गलती हो गई साहब, माफ कर दो ना साहब। साहब तरुण पारेख जैसा आदमी ऐसे काम के लिए जिलेटिन मांग रहा होगा, ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता साहब। कोई बात नहीं, एक बार जेल जाएगा ना तो कोई भी लापरवाही करने से पहले 10 बार सोचेगा। चलो बेटा ये लोग क्या कह रहे हैं? बोल बेटा तरुण, सच बोल। हेलो कितनी बार बोला बे? छोड़ दे मनीषा को। लेकिन मेरे बेटे पुनीत ने किया क्या है? मनीषा बहन है उनकी। पुनीत को बोल उसकी जिंदगी से दूर हो जाए। कौन है तू? मुंबई के किसी भी थाने में पूछ ले, पता चल जाएगा, सबको उड़ा दूंगा बोल देता हूँ। बहुत समझाया पर तू नहीं समझा, अब तो भुगतेगा, देखना कैसा धमाका होता है। हाँ मैंने बनाया था वो बम जब तुम दोपहर में चली जाती थी, तब मैं उस पर काम करता था। पूरा एक हफ्ता लगा था उस बम को बनाने में, मेरे स्टूडेंट्स का इस्तेमाल भी मैंने ही किया, उन्हें नहीं पता कि वो क्या कर रहे थे। तरुण तुमने ऐसा क्यों किया? आप नहीं समझ सकते, आप में से कोई नहीं समझ सकता मेरे दिल की हालत। मैं बिखर चुका था, मुझे बहुत गुस्सा था मनीषा पर। क्यों? क्योंकि उसने तुम्हारे साथ सगाई तोड़ दी थी। हाँ मैं मोटा था इसलिए उसे पसंद नहीं था, पर उसकी खुशी के लिए कोशिश कर रहा था ना पतले होने की, पूरी मेहनत कर रहा था। पर एक्सीडेंट के बाद जब मेरी ये हालत हो गई, वो मुझे छोड़कर चली गई, इसमें मेरी क्या गलती थी? लेकिन तरुण इसमें मनीषा की भी क्या गलती थी? किसी को यूं बीच मझधार में छोड़ देना गलत नहीं है क्या? तरुण तुम्हारी नाराजगी जायज है, मैं तुम्हारा दुख समझता हूं, लेकिन मनीषा तुमसे अलग होना चाहती थी, ये उसका फैसला था, तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे लेकिन तुम्हें उसका फैसला मानना चाहिए था, एक्सेप्ट करना चाहिए था ना। अगर मैं उसकी जगह होता या वो मेरी जगह होती, मैं ऐसा कभी नहीं करता। मैं नहीं जानता कि मनीषा की जगह तुम होते तो क्या करते, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि तुमने जो किया जुर्म है, संगीन जुर्म। तुम्हें कुछ अंदाजा है तुमने एक बम बनाकर कितनी जिंदगियों को खतरे में डाला? पुनीत की मां की जान जा सकती थी, वो पोस्टमैन जिसने वो पार्सल डिलीवर किया उसकी जान जा सकती थी, या दोनों गांव के किसी एक पोस्ट ऑफिस में वो बम ब्लास्ट हो जाता तो कितने लोग मरते, तुम्हारे स्टूडेंट भी इस हादसे का शिकार हो सकते थे। तुमने अपने अंदर ये जो बेवजह नफरत पाल रखी है ना, ये नफरत तुम्हारे अपनों पर भी भारी पड़ सकती थी। सपोज अगर बम बनाते वक्त वो बम इस घर में इस कमरे में ब्लास्ट हो जाता तो? तरुण तुम पढ़े लिखे हो, PhD हो, फिर भी अपने अंदर लगी आग को बाहर आग लगाकर बुझाना चाहते थे। तुम्हारी जिंदगी में अगर किसी बात को लेकर डिप्रेशन था तो किसी अच्छे मनोवैज्ञानिक को कंसल्ट कर सकते थे, या कम से कम अपने माँ बाप से बात करके
अपने मन का बोझ हल्का कर सकते थे। तरुण जो तुम्हारे साथ हुआ उसके लिए मुझे तुमसे हमदर्दी है, तुम्हारी हालत पे तरस भी आता है, लेकिन तुमने जो किया वो गुनाह है, ऐसा गुनाह जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और इस गुनाह की सज़ा तुम्हें बाकी क्रिमिनल्स की तरह ही मिलेगी। कल हाउस अरेस्ट खत्म हो जाएगा, हम चार्जशीट फाइल करने वाले हैं, कल हम तरुण को कोर्ट ले जाएंगे और इसकी कस्टडी की डिमांड करेंगे। बेटा क्यों किया तुमने ऐसा? चोट लगी थी बा, जब एक पति को पत्नी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो मुझे छोड़कर चली गई। बेटा वो तेरी पत्नी नहीं थी, सगाई हुई थी ना, शादी होने वाली थी। लेकिन बेटा वो तुम्हारे साथ शादी करना ही नहीं चाहती थी, ऐसे लड़के के लिए क्या जी जलाना जो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती थी। लेकिन बेटा हम लोग तो तुम्हारे साथ थे ना, और आज भी है, जब तक मैं जीऊंगी तुम्हारे साथ रहूंगी। और मैं भी, पर बेटा एक बात जरूर कहूंगा, तुमने जो किया वो गलत किया। तरुण ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, हमारे पास सबूत है और उन दोनों स्टूडेंट के बयान भी हैं। हमें जल्दी तरुण की कस्टडी मिल जाएगी। तरुण मुझसे गुस्सा था, उसने मेरे सास ससुर पर क्यों हमला किया? वो आपको और आपके परिवार को चोट पहुंचाकर अपने घाव भरना चाहता था, यही सोच अक्सर इंसान को अपराधी बना देती है। अगले दिन तरुण को कोर्ट ले जाना था, लेकिन उसकी बजाय तरुण को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तरुण के लिए अब सजा से बच पाना नामुमकिन था, लेकिन फिर उसने एक आखिरी दाव खेला और इस केस का रुख ही बदल गया। यार नरेश, साहब के जाने के बाद छठी बार वोमिटिंग की उसने। साहब को फोन लगाया गया? मेरे ख्याल से लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसी हालत रही तो कल उसे कोर्ट कैसे ले जाएंगे? तरुण की माँ से पूछो, कोई सीरियस बात तो नहीं है? कभी कभी उसे ऐसी उल्टियाँ होती रहती है, भारी दवाइयाँ खानी पड़ती ना इसलिए। कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है? नहीं। चिंता मत कीजिए, कभी कभी ऐसा होता है मेरे साथ। 10-15 बार वोमिटिंग कर चुके हो तो? मुझे तो आदत है सबकी, एक दो बार और दवाई लूंगा तो सब तकलीफ दूर हो जाएगी। क्या? तो गोविंद बताना तो चाहिए था। सर मैंने तरुण को 2-3 बार पूछा, लेकिन हर बार उसने यही कहा कि ये सब उसके लिए नॉर्मल है। लेकिन अगर उल्टियां नहीं रुक रही थी तो कम से कम एक फोन तो कर सकते थे। सुबह से कितनी उल्टियां आ चुकी हैं उसे? सर वो कल से उल्टी पे उल्टी किए जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इस हालत में उसे कोर्ट ले जाया जा सकता है। और ये तो मुझे अब बता रहे हो जब हम ऑलरेडी उसे कोर्ट ले जाने के लिए निकल चुके हैं। संगी सर, एम्बुलेंस बुलाओ, तरुण की हालत सीरियस है, हमें उसे हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ेगा। देखो मैं जानता हूं तुम ये सब कुछ जानबूझ के कर रहे हो, तुम सजा से बचने के लिए ये चालाकी कर रहे हो, लेकिन ये चालाकी नहीं है, बुजदिली है। सर मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है सर, जिसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए, और वो सजा मैंने खुद को दे दी है सर। तरुण, तरुण क्या किया तुमने? तरुण तुमने जानबूझ के कोई गलत दवाई खाई है? सर मैंने जो गुनाह किया है उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं, और मेरी मौत का भी। सॉरी सर।
सर ये देखिए। मैं अब जीना नहीं चाहता। वैसे भी मैं कहां जी रहा था। अपने किए पर शर्मिंदा हूं मैं। मुझे अपने गुनाह का एहसास है और पछतावा भी। नीत, तरुण के साथ जो हुआ मुझे उसका बहुत दुख है और लगता है कहीं ना कहीं इस सब के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। नहीं मनीषा, खुद को दोष मत दो। तुमने कुछ नहीं किया है। सब तो यही बातें कर रहे हैं ना कि आज तरुण जिस हाल में मेरी वजह से। देखो, लोगों को जो बोलना है उनको बोलने दो, तुम परवाह मत करो उनकी। पुनीत, क्या अपनी खुशी चाहना गलत है? मैं तरुण से कभी शादी करना ही नहीं चाहती थी और जब मुझे साफ साफ दिख गया कि मैं इस रिश्ते में कभी खुश नहीं रह पाऊंगी तो मैंने उस रिश्ते को वहीं खत्म कर दिया। तो क्या गलत किया मैंने पुनीत? धोखा तो नहीं दिया था तरुण को, तो सब मुझे क्यों कुरेगा ठहरा रहे हैं? मनीषा, तुम्हें अपने लिए जो सही लगा वो तुमने किया, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जो भी हुआ उसकी जिम्मेदार तुम बिल्कुल नहीं है। तुम्हें खुद को कसूरवार समझना बंद करना पड़ेगा। तुम चाहो तो कुछ दिनों के लिए हम बाहर चले जाते हैं। मेरे हिसाब से हम दोनों के लिए यही सही रहेगा। सरला बेन को लंबे ट्रीटमेंट से गुजरना पड़ा लेकिन अब उनकी हालत में काफी सुधार है। हालांकि उस धमाके की वजह से उनकी एक आंख का विजन लगभग 20% जा चुका है। एक्सप्लोजिव डीलर गोपाल इस वक्त हिरासत में है। उस पर गैर कानूनी तरीके से विस्फोटक पदार्थ बेचने के चार्जेस लगाए गए। उसे एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत बुक किया गया है। मनीषा और पुनीत उस भयानक हादसे को भुलाकर फिर से अपनी जिंदगी को नॉर्मल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तरुण की मौत के साथ ही उसके खिलाफ दर्ज हुआ केस भी बंद कर दिया गया है। तरुण वाकई में एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसे का शिकार हुआ था और उसकी जिंदगी का अंत भी दर्दनाक तरीके से हुआ। अगर तरुण चाहता तो वो इस निराशा के भंवर से बाहर निकल सकता था। अपनी हिम्मत और अपने माता पिता के सपोर्ट से वो अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू कर सकता था लेकिन तरुण ऐसा नहीं कर पाया। वो अपने गुजरे हुए कल को अलविदा नहीं कह पाया, अपने आप को मिले रिजेक्शन को सहन नहीं कर पाया और नफरत और निराशा के दलदल में धंसता चला गया। जब जिंदगी के हमसफर को चुनने की बात आती है तो सबकी अपनी अलग पसंद होती है। हम किसके साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं ये फैसला करने का हक हर इंसान को है। मनीषा ने भी अपनी जिंदगी में ऐसा एक फैसला लिया था जिसे अगर तरुण ने मान लिया होता तो ये सब होता ही नहीं। जब कोई इंसान आपकी जिंदगी से चला जाता है, आपसे जुड़ा रिश्ता तोड़ देता है तो दुखी होना स्वाभाविक है। लेकिन उस दुख को अपने जीने का जरिया बना देने से, अपनी आप बीती पर हर पल शोक मनाने से क्या वो इंसान आपकी जिंदगी में वापस लौट आएगा? नहीं। आपसे दूर जा चुके उस इंसान को तकलीफ देकर उसे चोट पहुंचाकर क्या आपको सुकून मिल सकता है? हरगिज नहीं। बदले की भावना ने आज तक किसी को सुकून नहीं दिया है और ना ही कभी दे पाएगी। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख पूरे देश को। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।